अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पासवर्ड को पहले शुरू जो है हैश कर लेंगे। तो हैश कैसे करना है उसके लिए एक सेपरेट पैकेज आता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलते हैं हम npm js पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है bcrypt, bcrypt js। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कैसे यूज करना है। आप देखिए बहुत बेसिक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बीक्रिप्ट क्या करता है, जो भी हमारा पासवर्ड है या फिर जो भी आपको फील्ड को हैश कराना है तो उसको वो इनक्रिप्ट कर लेता है। अब इनक्रिप्ट कैसे करता है, इसके लिए इसमें बहुत से मेथड्स बने हुए होते हैं, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। पहले शुरू आपको इसको इंस्टॉल करना है, कॉपी कर लेंगे इंस्टॉलेशन कमांड, वापस से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे npm i decrypt js। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, छोटा पैकेज है, देखिए ज़्यादा टाइम इसने नहीं लिया। अब इसका यूज कैसे करना है, यूजर कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे इसको इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप क्या करें, इसको रिक्वायर कर ले const bcrypt इक्वल टू, फिर हम इसको रिक्वायर करेंगे और ये है bcrypt js। अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे, रजिस्टर करते टाइम जैसे हम एग्जिस्टिंग यूजर चेक कर रहे हैं ना, सेव करने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू सॉल्ट को जनरेट कर लेंगे, const सॉल्ट इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे, फिर बीक्रिप्ट का इस्तेमाल करना है, और इसमें हमको जो जेन सॉल्ट का फंक्शन मिलता है इसका हम यूज करने वाले, और इसमें जो राउंड्स है उसको हम कर लेंगे 10। तो 10 राउंड्स का मतलब क्या है कि इतना प्रोसेस को टाइम लगेगा, और 10 तक की ये जो हमारा पासवर्ड उसको जो है इनक्रिप्ट कर देगा। जितना ज्यादा नंबर लिखेंगे उतना ज्यादा टाइम इसको जो है डिक्रिप्ट होने में लगेगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल बना देंगे const हैश पासवर्ड इक्वल टू, और हमारा जो नॉर्मल पासवर्ड है ना उसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पर बीक्रिप्ट की मदद से जो है ना हैश कर लेंगे। सो अगेन बीक्रिप्ट डॉट, फिर इसके अंदर हमारे पास हैश का एक फंक्शन होता है, इसमें हम प्लेन पासवर्ड को पास करा देंगे जो कि हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से रिसीव कर रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पर पास करा दिया, और उसके बाद में हम यहाँ पर सॉल्ट को पास करा रहे हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको सेव करा रहे हैं ना, तो प्लेन पासवर्ड के बदले हम क्या करेंगे इसके अंदर जो है हैश पासवर्ड की वैल्यू को ऐड कर देंगे, इसके बाद में कोलन और फिर हैश पासवर्ड। तो अब जब भी न्यू यूजर आप क्रिएट करेंगे तो ये हैश पासवर्ड की वैल्यू इस पासवर्ड के अंदर स्टोर होंगी। कैसे होंगी देख लेंगे, सेव कर लेते हैं पहले शुरू उसको सेव, और वापस से मैं एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल npm रन सर्वर, इतना लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हो गई और डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुकी है। चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए रजिस्टर में हमारे पास टेस्ट 1 था, तो मैं इसको टेस्ट 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको भी टेस्ट 2 कर लेंगे, और यहाँ पर पासवर्ड सेम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। इसको डेटाबेस में हम एक बार चेक कर लेंगे, चलते वापस डेटाबेस में, तो फिलहाल अभी एक ही डेटाबेस है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए दो डॉक्यूमेंट अपने पास क्रिएट हो गए। और यहाँ पर अगर आप पासवर्ड को चेक करेंगे तो देखिए इसमें जो वैल्यू है वो इनक्रिप्ट हो चुकी है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो बिना हैश वैल्यू के कैसे दिख रहा है, डायरेक्ट पासवर्ड विजिबल है, लेकिन सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू आ चुकी है जो कि अनरीडेबल है। अगर इसको हमको रीड करना है तो पहले शुरू हमको जो इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तभी इसके अंदर का पासवर्ड हमको देखने मिलेगा। अब डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, देखिए लॉगिन की फंक्शनैलिटी अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमारे पास इसका भी API है लॉगिन का, अगर मैं यहाँ पर टेस्ट 2 को जो है यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ टेस्ट 2, और ये जो टेस्ट 2 की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर एज इट इज रखता हूँ, और पासवर्ड हमारे पास सेम है, सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर शो करेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास जो वैल्यू है ना वो इनक्रिप्टेड वैल्यू है, तो इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम वापस से लॉगिन के अंदर, ये हमारा लॉगिन कंट्रोलर, और डायरेक्ट पासवर्ड हम यहाँ पर पास करा रहे थे, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर पासवर्ड का भी वैलिडेशन देख लेंगे, पासवर्ड या फिर मैच कर लेते हैं इसको, मैच पासवर्ड, और एक वेरिएबल बना देंगे const is match equal to await। फिर अगेन हम क्या करेंगे bcrypt का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास होता है कंपेयर का फंक्शन। तो इस कंपेयर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे जो भी प्लेन पासवर्ड है इसको पास करा देंगे, तो पासवर्ड, और फिर हमारे पास जो भी पासवर्ड हमको मिल रहा है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर यूजर को फाइंड कर रहे हैं, अब इस यूजर के अंदर हमको ऑलरेडी एक पासवर्ड मिल रहा है, तो उस पासवर्ड का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो यूजर डॉट पासवर्ड, तो ये यूजर डॉट पासवर्ड, और आप जो प्लेन पासवर्ड पास करा रहे हैं ये दोनों कंपेयर होंगे, और इसका भी एक वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट इज मैच
अगर इज मैच नहीं है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ। सो रिटर्न रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, और इसके बाद में सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे इसमें फॉल्स, और एक मैसेज, मैसेज के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये मैसेज हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, और वापस से मैं इस एपीआई को हिट कराता हूँ सेंड। तो देखिए इस बार बराबर से हमारी एपीआई यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि बराबर से हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब ये जो पासवर्ड है ना, ये बराबर से कंपेयर होगा। अब जैसे कि इसमें मैं 4 की वैल्यू ऐड कर देता हूँ, सेंड पर क्लिक करूंगा, तो देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल यहाँ पर हमको मैसेज देखने मिल जाएगा। आप स्पेसिफिक मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है, इन केस अगर साइबर अटैक होता है तो फिर उसमें जो है यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है कि आपका पासवर्ड गलत है या फिर ईमेल आईडी। और अगर आप कुछ इस तरीके से इनवैलिड क्रेडेंशियल का मैसेज ऐड करेंगे तो फिर वहां पर उसको समझ में नहीं आएगा ईमेल गलत है या पासवर्ड। वापस से इसको फ्री कर देता हूँ और सेंड पर क्लिक कर लेंगे सेंड। तो देखिए परफेक्टली हमारे पास यूजर की वैल्यू आ रही है। और इन केस अगर आपको इस पासवर्ड को भी हाइड करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जो रिस्पॉन्स आप सेंड करा रहे हैं ना, कहाँ पर है, ये है यूजर। तो यूजर के अंदर आप क्या कर सकते, फिर पूरे के पूरे आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताना पड़ेंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ ईमेल, और ईमेल के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर डॉट ईमेल शो करा देंगे, और उसके बाद में फिर यूजर नेम, यूजर डॉट यूजर नेम। तो ये दो फील्ड हम बता सकते हैं, और अगर आपको आईडी की फील्ड बताना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आईडी यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। सेव कर लेते हैं इसको और टेस्ट कर लेंगे एक बार कि ये सही से काम करता ही नहीं। सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास अभी सिर्फ है आईडी, ईमेल और यूजर नेम। तो परफेक्टली ये फंक्शनैलिटी हमारी काम कर रही है। इसके बाद में देखिए लॉगिन के टाइम पे आप जो है टोकन का भी यूज कर सकते हैं। सो इसमें मोस्ट कॉमन है जेसन वेब टोकन, आप इसको सर्च कर सकते हैं, जेसन वेब टोकन इतना लिख के आप सर्च करिए, एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा। होम पेज में आप इसका चेकआउट कर सकते हैं, काफी कुछ आपको इसमें देखने मिल जाएगा। देखिए ये रहा जेसन वेब टोकन। तो इस जेसन वेब टोकन का हम यूज करने वाले हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको जो है डाउनलोड करके रख लेंगे कॉपी, और टर्मिनल न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ इसमें, और इसमें पेस्ट कर लेंगे npm i json web token। तो ये डाउनलोड हो गया, छोटा सा पैकेज है। अब जैसे हम लॉग इन करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, टोकन का यूज कर लेंगे। टॉप पे आप क्या करें, पहले शुरू इसको इम्पोर्ट कर दें। सो यहाँ पे const JWT, JWT इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे रिक्वायर कर लेंगे json web token को। तो हमने यहाँ पर इसको रिक्वायर कर लिया। अब जैसे हम यहाँ पर लॉग इन हो रहे हैं ना, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, टोकन को भी जनरेट कर लेंगे। सो इस मैच के बाद में हम पर है नीचे ना, ये रहा इस मैच के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन जनरेट कर लेंगे टोकन, और एक वेरिएबल बना देंगे टोकन के नाम से, टोकन कॉन्स्ट टोकन। फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, फिर हमारे पास है JWT, तो JWT, और इसके अंदर हमको साइन का फंक्शन मिलता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बताते हैं। अब देखिए टोकन को काम करने के लिए इसमें हमको वैल्यूज को बताना पड़ता है, यानी की वैल्यू के अंदर हमको जो है कोई ना कोई यूनिक वैल्यू को स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आईडी के बेस पर करना चाहता हूँ, सो मैंने लिखा आईडी, और आईडी एक यूनिक रहेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे यूजर में से डायरेक्ट इसकी अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू को जो है यहाँ पर पास करा देंगे। इसके बाद में आपको जो है सीक्रेट की यहाँ पर पास कराना पड़ता है, तो इसको हम क्या करेंगे डॉट ईएनवी की फाइल में जो है क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे आप क्या करें, JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, कुछ इस तरीके से आप जो की बना सकते हैं, और इसमें कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि टाइप इनपुट YT 123, ये मैंने बना लिया सेव। और जब भी डॉट ENV फाइल में चेंजेस करेंगे तो सर्वर को आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो सर्वर को हम रिस्टार्ट कर लेंगे, और वापस से मैं इसको रन कर लेता हूँ, npm run server, सो बैकग्राउंड में ये रन है। अब इस इन्वायरमेंटल वेरिएबल को हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे, प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, और उसके बाद में अगेन एक ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ता है, और इसमें हमको लिखना पड़ता है एक्सपायर सिंह कि कितने टाइम में ये टोकन एक्सपायर होने वाला है। तो इसको हम कर लेंगे 1 डे। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा टोकन भी क्रिएट हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, साथ ही में यूजर से पहले टोकन को भी पास करा देता हूँ। टोकन की वैल्यू पेयर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे तो इनफ है। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन टूल में,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे और एरर शो कर रहा है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते कहाँ पर एरर आ रहा है। टर्मिनल में देख लेंगे एक्सपायर, अच्छा हाँ ये एक्सपायर्स है तो इसको हम कर लेंगे एक्सपायर्स इन, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए बराबर से सक्सेस ट्रू मैसेज भी आ चुका है, लॉग इन सक्सेसफुली, और एक टोकन भी अपने पास क्रिएट हो चुका है। अब इस टोकन को आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट पे भी भेज सकते हैं, और क्लाइंट और सर्वर दोनों का टोकन अगर मैच होता है तभी हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड राउट्स को जो है एक्सेस करेंगे। तो परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन में जो है हैशिंग और टोकन ऐड हो चुका है।